राम जेठमलानी के काले धन को लेकर आक्रामक तेवरों के बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर विदेशी बैंकों में खाता रखने वाले 3 लोगों के नाम जाहिर कर दिए हैं। आपको बता दें, सरकार के इस हलफनामे में किसी राजनीतिक दल से जुड़े व्यक्ति का नाम नहीं है। इसमें जिन 3 भारतीयों के नाम हैं, उनके खिलाफ विदेशी बैंकों में गोपनीय तरीके से पैसे रखने के मामले में जांच चल रही है। जो नाम जाहिर किए गए हैं, उनमें गोवा के खनन कारोबारी राधा एस टिब्लू, राजकोट के कारोबारी पंकज चमन्ना लोडिया और डाबर समूह के प्रदीप बर्मन है। नियमों के मुताबिक RBI एक शख्स को 1 साल में विदेशी खाते में $25,00,000 रुपए भेजने की इजाजत देता है। ऐसे में सरकार खातों में रखे धन को काला धन साबित करेगी और इसकी पुष्टि होने के बाद ही सरकार इन नामों को सार्वजनिक कर सकती है। याद हो कि पिछले दिनों वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि काला धन रखने वाले खाता धारकों के नाम को जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी की याचिका पर कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि वे बेईमानी से विदेशी बैंकों में जमा किए गए भारतीय पैसों को वापस लाने के लिए उच्च स्तरीय टास्क फोर्स गठित करें। कोर्ट के आदेश पर तब की UPA सरकार ने राम जेठमलानी से उन भारतीय नामों का खुलासा किया था जिनके अकाउंट लिच्टेनस्टाइन बैंक में थे और जर्मन सरकार ने दोहरे कराधान बचाव समझौते के तहत सूचना मुहैया कराई थी। बहरहाल, जिस तरह से काले धन को लेकर चर्चाएं जोरों पर थी, उस दिशा में केंद्र सरकार की ओर से उठाया गया ये कदम संकेत देता है कि आने वाले समय में कुछ और भी नाम सामने आ सकते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए चीनू की रिपोर्ट।